तो एमसीडी चुनाव को लेकर हमारी मौजूदगी है दिल्ली के ऑटो वालों के बीच में, हम उनसे ही बात कर रहे हैं। मिजाज क्या लग रहा है भैया आपका? नाम? मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक जी, दिल्ली का मिजाज क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर? सियासी पारा चढ़ा है इस समय? हाँ, सियासी पारा तो है, लेकिन अब देखो क्या होता है। आप कितने सालों से हैं दिल्ली में? बहुत साल हो गए, 28-30 साल। और ऑटो कितने सालों से चला रहे हैं? वही 28-30 साल से। देखिए, दावा पार्टियों की तरफ से, अपनी अपनी तरफ से किया जा रहा है कि नहीं, हम बदल देंगे। आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस में कौन हावी है भाई? मुझे तो लगा कि आम आदमी पार्टी आता तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मुंह से बोलती है और कुछ किया तो है नहीं। आप ही देख लो, ये सब जितने हैं सब जी की कितनी गंद है यहाँ पे दिल्ली में, कुछ तो किया नहीं। अब यहाँ भी आ जाएगा, बस मुंह से कहना है, कुछ करके दिखाए ना आम आदमी पार्टी। तो 10 गारंटी तो वो दे रहे हैं आपको कि बदल देंगे राजधानी? रोज गारंटी देते हैं, गारंटी कहाँ कमी उनके पास? उनके पास गारंटी का पिटारा है तो कहाँ देंगे भाई? अगर कोई काम करके दिखाए हो, ये करते हैं स्कूल और क्या नाम है, हॉस्टल मैंने बहुत बढ़िया बना दिया, जाके देखिए स्कूलों में बच्चों को बैठने जगह नहीं है, 3 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, समझ रहे? हॉस्टल में जाओ डॉक्टर देखने को राजी नहीं है, क्या किया उन्होंने? सिर्फ मुंह से कहना है, डायलॉग हाँकना है, ठीक है, उनकी अपना है, वो अपना कर रहे हैं, उनका काम है डायलॉग हाँकना, जनता काम वो करेगी अपना काम। सही बात है, जनता जनार्दन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ 15 सालों में बीजेपी ने किया नहीं है दुरुपयोग। बीजेपी ने किया नहीं है वो ठीक है, उनके वो अपने अनुसार कहेंगे, कहने को तो हर कोई कहता है। लोग कहते हैं शीला ने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन आज जो कुछ हुआ है उन्हीं के ऊपर हुआ है। ये पौधे अगर आगे हुए ना तो शीला के बैठाए गए हैं, हो सकता है कटिंग भी ना हुई आज तक, फिर कैसे हम मान लें कि इन्होंने उत्तर कर दिया। चलिए, शीला दीक्षित जी का नाम लिया आपने, तो कह दें कि कांग्रेस पार्टी है कि नहीं लड़ाई में? कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, ठीक से ना बातें है, कांग्रेस में लड़ाई की बात नहीं, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, बुरे होते उनमें कार्य करने वाले लोग है कि नहीं, अगर उसमें अच्छे नेता है तो भी अच्छी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अशोक जी, अंतिम सवाल, जो यात्री यहाँ पर बैठते होंगे वो क्या सोचते होंगे और क्या सोचकर वोट करने एमसीडी में जाएंगे? भाई सबकी अपनी अपनी सोच। आप क्या सोच रहे हैं? मेरी सोच यही है कि इन्होंने पूरे दिल्ली को गड्ढा बना दिया। लोग कहते थे कि इन्होंने केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया, हम लोग यही सोच करके वोट दिए थे कि कुछ करेंगे राज्य में। हाँ, दिल्ली के अंदर में हम लोगों ने वोट इसीलिए किया था कि आएंगे कुछ करेंगे, सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया है, झूठे वादे। आप लोग भी यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं, हर आदमी के पास घूमते हैं, आपको पता होगा। चलिए, देखना होगा कि दिल्ली का क्या मिजाज होता है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। कुछ अन्य लोग भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मिजाज क्या है भैया दिल्ली का, एमसीडी चुनाव में किसका पड़ रहा भारी? मेरा कहना है कि थोड़ा बदलाव हो तो ज्यादा अच्छा है। बदलाव यानी सीएम साहब को आप मौका एमसीडी में भी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, उनके ज्यादा पार्षद आ रहे हैं, उनके नियत पर भरोसा है, काम उन्होंने किया है जी। और देखते देखते हम लोग भी 15-20 साल से देख ही रहे हैं कि जो केजरीवाल के आने से पहले और आने के बाद क्या मतलब हुआ हम लोगों के साथ में। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मसाज कांड भी बीच में आया, इसके अलावा कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई, आपसी मारपीट, विधायक द्वारा पीटा जाना, इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव में? नहीं, ये सब पर पब्लिक को कोई असर नहीं पड़ता, हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक है, तो पब्लिक सोच कर क्या जाएगी एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल सोच के जाएगी। मुद्दा, बुनियादी मुद्दा, मुद्दा यही है कि केजरीवाल के अंदर में जो भी था, जो चीज़ का वो वादा किया था वो सब हुआ है, और आगे जो वादा कर रहे हैं उस पर भी यकीन होगा। यानी आप मौका दे रहे हैं उनके पार्षदों को? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। वैसे देखना होगा कि क्या कुछ एमसीडी चुनाव का परिणाम होता है। एमसीडी चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों के लिए भी जुड़े रहें एबीपी लाइव के लिए। निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।